किंगडम मोनरो में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो टू टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। मीन्स ये अपने फूड का फॉर्मेशन सेल्फ कर लेते हैं, मेक द फूड। और सेकंड होता है जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, टेक द फूड। ठीक, तो न्यूट्रिशन टू टाइप से है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। अब देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉप्स मीन्स मेक द फूड, अपने फूड को फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। ये फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट आपका हो जाता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और सेकंड हो जाता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए इन्हें कुछ पिगमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे नॉर्मली हमने प्लांट में पढ़ रखा था तो वहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता था, उसी तरीके से यहाँ पर भी पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट्स कहलाते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। ये पिगमेंट्स की सहायता से हम फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस नॉर्मली जैसे होती है वही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो यूकेरियोट में फोटोसिंथेसिस हमने देखा था तो CO2 और H2O को यूज करते हैं, फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद फिर ऑक्सीजन और H2O रिलीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, CO2 है, H2O नहीं है। यहाँ पर अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर H2S का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों की सहायता से सनलाइट और पिगमेंट की सहायता से फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में सल्फर को रिलीज करते हैं। ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं रिलीज हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इस टाइप का फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है उसे हम कहते हैं एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो इनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पर H2O यूज नहीं होता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, इसीलिए बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसे एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कोई अदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की सहायता से फूड मटेरियल का फॉर्मेशन किया जाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सल्फर को रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, ये हो जाता है ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस। सेकंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में है वो है कीमो ऑटोट्रॉप्स, जो अपने फूड का फॉर्मेशन केमिकल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, वो कीमो ऑटोट्रॉप्स कहला रहे हैं। जैसे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है, ये NH3 को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट्स को फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में। तो ये जो सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहे हैं, इनका जो कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और उन्हीं एनर्जी से ये अपने फूड को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा या न्यूट्रिशन हो जाएगा वो कहलाएगा कीमो ऑटोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। तो ये ऑटोट्रॉप्स के टाइप्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब सेकंड जो टाइप्स है हेटरोट्रॉप्स, जो दूसरे से फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं वो कहलाता है हेटरोट्रॉप्स। ठीक, तो सेकंड टाइप्स में देखते हैं जो न्यूट्रिशन हो रहा है जिसे हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक, तो हेटरोट्रॉप्स में से टेक द फूड, ये दूसरे से फूड मटेरियल को लेते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरे से फूड मटेरियल को ले रहे हैं उस टाइप का जो न्यूट्रिशन होगा वो कहलाएगा
हेटरोट्रॉप्स। ये फर्दर हेटरोट्रॉप से थ्री ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, सेप्रोफाइट्स, सिम्बायोटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, या जो ऑर्गेनिक मैटर से है इनको ये ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, या डिकम्पोज करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करके फूड मटेरियल को ले रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया। उसका एग्जांपल है क्लास्ट्रिडियम। ठीक, क्लास्ट्रिडियम क्या है, जो भी फूड मटेरियल हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल हैं उन मटेरियल्स को ये ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, धीरे धीरे सड़ा देते हैं और उससे ये एनर्जी प्राप्त करते हैं या उससे अपना भोजन लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस टाइप का सेप्रोफाइट्स कहलाता है, मीन्स जो पदार्थों को सड़ा गलाकर अपना भोजन प्राप्त करें वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। सेकंड हेटरोट्रॉप्स में है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में क्या है कि यह ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, म्यूचुअल बेनिफिट्स का रिलेशनशिप होता है इसमें। ठीक, इसका एग्जांपल जो है राइजोबियम लेगुमिनसारम, ये बैक्टीरिया का नाम है और ये पाया जाता है कहाँ, लेगुमिनस प्लांट जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये सिम्बायोटिक का एग्जांपल है। सिम्बायोटिक मीन्स म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, उस तरीके का। मैं से दूसरे से तो भोजन ले रहे हैं लेकिन बदले में उन्हें भी कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक, तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन होगा वो सिम्बायोटिक होगा। थर्ड आते हैं इसी में, वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मीन्स जो किसी दूसरे जीव के ऊपर रहकर भोजन ले, जिस जीव के ऊपर रहकर भोजन लेते हैं उस जीव को हम कहते हैं होस्ट। तो होस्ट का मतलब क्या है, ऐसा जीव जहाँ से बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, उस जीव की जो बॉडी है या जो सेल्स है वो कहलाता है होस्ट। ठीक, तो विदाउट किलिंग किसी जीव से अगर ये फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं उस पर रहकर, तो इस तरीके का जो कंडीशन है वो कहलाता है पैरासिटिक। ठीक है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, ये दूसरे जीव के ऊपर या होस्ट से अपना भोजन ऑब्टेन करते हैं। नॉर्मली ये जहाँ पर रहते हैं उनमें डिजीज कॉजिंग का काम करते हैं, उनमें रोग उत्पन्न करते हैं। इसका जो एग्जांपल है विब्रियो कॉलरी। ठीक है, ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है जो किसी भी जीव में वो जाएगा, वहाँ से अपना फूड मटेरियल लेगा और उस सेल को डैमेज करेगा जिससे वहाँ पर डिजीज क्रिएट होगी। तो ये इतना होता है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। समरी फॉर्म में देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को किस तरीके से इसको समराइज किया जाए। ये है, तो समरी फॉर्म में क्या है, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन टू टाइप्स होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है मेक फूड, अपने फूड मटेरियल का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं थ्रू फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अगर फोटोसिंथेटिक कर रहे हैं तो यूज लाइट, लाइट का ये उपयोग करते हैं, फॉर एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और कीमोसिंथेटिक में है यूज एनर्जी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू अपने एनर्जी को न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ठीक, जो NH3 को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स फिर नाइट्रेट्स में। ठीक, सेकंड जो इसका टाइप से है हेटरोट्रॉपिक, जो सेप्रोफाइट होता है, जो डेड मटेरियल से हैं ऑर्गेनिक मटेरियल उनको डिकम्पोज करके उनसे फूड मटेरियल लेते हैं। पैरासिटिक होस्ट से फूड मटेरियल लेते हैं विदाउट किलिंग। और एक थर्ड मेथड होता है इसी में जिसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक। ठीक, तो सिम्बायोटिक में म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप होता है, दोनों को फ़ायदा होता है, फॉर एग्जांपल राइजोबियम एंड लेग्यूम्स प्लांट। तो ये इतना हो जाता है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया।